त्यागी एक ऐसा चर्चित नाम जिसको लेकर आज पूरा त्यागी समाज नोएडा में एकत्रित हुआ है। उनके पक्ष में गाली गलौज के आरोप में जो है श्रीकांत त्यागी अभी जेल में बंद है, उसको लेकर उनके पक्ष को लेकर आज यहाँ पर पूरा त्यागी समाज दूर दराज से है। सर से जानते हैं, सर आप कहाँ से? मैं बिहार से आया हूँ और बिहार में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के बैनर तले हमने 1 लाख की भीड़ जुटाई थी। आज बहुत खुशी की बात है कि भाई आशु और यहाँ के पूरे टीम के साथ, त्यागी समाज के साथ हम लोग बहुत अच्छा मौका मिला कि हम भूमिहार ब्राह्मण त्यागी को एक कर दिए और आज हमारे मंच का नाम हो गया है संयुक्त त्यागी ब्राह्मण भूमिहार संस्था। ये बहुत खुशी की बात है। इस अवसर को हमें बहुत दिन हम लोग जो रहे थे वो अवसर आ चुका है। कारण जो भी हो, गलती पुलिस ने किया हो, गलती एना अग्रवाल ने किया हो, गलती श्रीकांत जी से एक नॉर्मल हुई थी, तिल के ताड़ बना है एना अग्रवाल जी ने। आपने देखा है एना अग्रवाल जी का पहनाव, वो कॉर्पोरेट टाइप की लेडीज लगती हैं और उनको उसका रही थी, उसकाने पे उन्होंने खाली उनके हस्बैंड के लिए बुरा बोला है, माने कि उन्होंने बोला उनको सजा मिलनी चाहिए। उनकी धर्मपत्नी अनु त्यागी और उनके परिवार ने क्या किया था, अनु त्यागी को लॉ के हिसाब से शाम में 7 बजे के बाद महिला को नहीं रख सकते, वो भी नोएडा के फेज टू थाना में बिना महिला कॉन्स्टेबल को एक महिला को रखा गया, वो भी त्यागी बुद्धिजीवी महिला को। आज हमारा ये दिन हो गया। कौन कहता है कि हम डरपोक हैं, कौन कहता है कि हम लाचार हैं, हम त्याग का सार हैं, इसीलिए हमें त्यागी भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। पहनावे पर सवाल उठा रहे हैं? हम सवाल पहनावे पर नहीं उठा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो महेश शर्मा जी ने वैसी पहनावे पे उनकी सपोर्ट किए और एक आदर्श महिला को थाना में बैठवा दिए, ये कहाँ तक सत्य था? उन्होंने तिल के ताड़ क्यों बनाया? एक राजनीतिकार को सूझबूझ से, विवेक से काम लेना चाहिए। इस जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिया, एक तरफा इंटेंशनली काम किया, जो जिस तरह से गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट सब कुछ लगवाया। कितने लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं त्यागी समाज से? लगभग पाँच लाख लोग पूरे भारतवर्ष से आज इस धरती पर आए हैं और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, इस सरकार को चेताना चाह रहे हैं, इस सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज एक हो चुका है। अगर जो सरकार अगर जो नहीं समझी अभी भी, तो पूरा समाज पूरे देश में ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा और भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकने का इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान आज पूरे देश में जो मैसेज जा रहा है, जो पूरा त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज जो यहाँ से मैसेज लेके जाएगा, वो पूरे भाजपा को उखाड़ने के लिए जाएगा। भाजपा को टारगेट करने का कारण क्या है कि उनको राजनीति में नहीं अपनाया? नहीं, भाजपा को देखो, आज प्रशासन किसका है? आज प्रशासन भाजपा का है। चाहे राज्य में सरकार हो, चाहे हमारे देश में सरकार हो, क्या एक सांसद की इतनी ताकत है कि एक सांसद पूरे देश के गृह मंत्री से लेके और सभी मंत्रियों को फैल कर सकता है, सभी मंत्रालयों को फैल कर सकता है, स्टेट के मुख्यमंत्री को फैल कर सकता है? उसमें पूरे भाजपा भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली साजिश है और एक समाज को बदनाम करने की जो ये कोशिश है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आगे क्या कदम होने वाले हैं? आज आपके यहाँ पर त्यागी समाज के लोग आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आगे क्या आपकी प्लानिंग है, किस तरीके से आपने आवाज बुलाई? रणनीति हमारी ये है, आज हमने अल्टीमेटम दिया है, अभी 16 तारीख को जंतर मंतर से राष्ट्रपति जी के नाम भी ज्ञापन दिया गया था, उसके बाद आज की पंचायत का ऐलान था। आज जो भी हमारे निर्णय हमारे हैं कि अगर जो हमारी जो मांगे हैं और जो वो मांगी नहीं जाती, जितने लोगों पे जो गलत जो भी मुकदमे लगाए गए वो पीछे नहीं होते, और जिन जिन नेताओं ने त्यागी ब्राह्मण समाज पर जो टिप्पणियाँ की हैं, अगर जो वो वापस नहीं ली जाती तो उनका घर घेरने का काम भी त्यागी समाज का युवा करेगा। कौन त्यागी समाज को गलत बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये गुंडा, ये जो अपने आप गुंडे हैं, वो एक समाज को गुंडा बताने का काम कर रहे हैं। मीडिया भी बोल रही है गुंडा, गुंडा शब्द यूज कर रही है, गालीबाज। मीडिया देखो, ये मीडिया सभी हमारा एक अंग है, समाज का अंग है। मैं मीडिया बंधुओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो मीडिया बंधुओं ने जो चलाया वो भी एक गलत है, और मीडिया को इसमें माफ़ी मांगनी चाहिए और मीडिया को भी अपनी सफाई देनी चाहिए कि हमने जो पूरे समाज को जो गुंडा जो टिप्पणियाँ दी, जो चलाया वो गलत चलाया। जब
की जो लड़ाई है ये राजनीतिक है, जातिगत है, ये एक सामाजिक सामाजिक जातिगत और कोई भी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये एक सामाजिक है। कभी तो ये सरकार जब से सत्ता में आई है, कभी तो वो राजपूतों को बिड़ा रही है आपस में, कभी वो गुजरों के खिलाफ जा रही है, कभी वो जाटों के खिलाफ जा रही है। तो ये आज इस मंच से ये ऐलान किया गया है कि अगर जो ये समाज को बांटने का काम अगर जो ये करते रहेंगे तो आज ये बिगुल बच चुका है उत्तर प्रदेश से और पूरे भारत से। 2024 के जो भारतीय जनता पार्टी सपने देख रही है उनका सपना तोड़ने का काम, उनको सपना तोड़ने का काम त्यागी भूमिहार समाज करेगा। त्यागी समाज को कमजोर मान देते क्या मान लीजिए, जब ये कह रहे भाई उस औरत के लारा बदतमीजी करी गई हो, और फिर मान लो ये भी तो औरत थी जिनके लारा बदतमीजी करी गई, तो मीडिया ने इनका क्यों नहीं दिखाया, उसका तो दिखा दिया। जब नहीं बराबर तो दिखाया, आप एक बात तो समझो मैडम, पेड़ तोड़ते हुए नहीं दिखाया। आप एक बात देखो, उसने दीवार नहीं बनाई, दीवार तो नहीं बना रखी, पेड़ ही तो लगे हुए थे। हाँ जी पेड़ ही तो लगे हुए थे, दीवार नहीं थी वहाँ, कोई कब्जा वसा थे ना। अच्छा आप एक बात मान लो, जब मीडिया उसे दिखा रही हो और भाई लेडीज के द्वारा उसे लेडीज की धारा में बंद कर देते, अगर लेडीज की धारा में मान लो गलत बोल रहा उसके लिए बंद कर देते, वो इनाम भी रख दिया 25,000 का, फिर उस पर गैंगस्टर भी लगा दी, उन्हें कौन सा गुंडागर्दी कर रखी थी ये बताओ। ये बताइए कि जिस तरीके से बदसलूकी हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है और आज आप उनके पक्ष में आ गए, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा की गई इस बदसलूकी का आप सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं? नहीं पक्ष तो मालक त्यागी समाज को बदनाम करा जा रहा है। क्या हमने सरकार को वोट नहीं दी थी, हम तो अंधे होकर सपोर्ट कर रहे थे। मैडम बस ये जो गाली गलोच का आपने मुद्दा बनाया है, वो गाली गलोच हर पड़ोसी लड़ता है। अगर ऐसे ही गाली गलोच का मुद्दा अगर गैंगस्टर का रूप लेगा तो जेलें कम पड़ जाएंगी। आज आप यहाँ पर समर्थन के लिए आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? बोलो मैं कि श्रीकांत त्यागी जी ने एक महिला को गाली दी थी, तो लेकिन ये सब लोग क्यों लपेटे जा रहे हैं, सबको गाली क्यों दे रहे हैं, ये इनको सबको क्यों कह रहे हैं कि तुम भी साथ में हो, तो इसीलिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हम समर्थन के लिए आए हैं। जे अगर उन्होंने गाली दी है तो उन्हीं को उसी बात का जो गलती की है उनका सोल्यूशन करें कि आपने ये गलती की है, आपको ये पनिश मिलेगी, तो ये सबको लोगों को क्यों लपेट रहे हैं? ये जिन्होंने त्यागी जी को अंदर लिया, त्यागी समाज का समर्थन कर रही है, श्रीकांत त्यागी का समर्थन कर रही है या त्यागी समाज का समर्थन कर रही है? सम्मान तो हम दोनों को करना चाहिए, लेकिन हम जो समाज में इकट्ठे हुए हैं इनके फेवर में महिलाओं के लिए सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं की गाली दी है, इसलिए हम उनके साथ भी खड़े हैं। मैं तो महिला के सम्मान के लिए आई हूँ, क्योंकि एक रात जो महिला को रखा गया है थाने में, जबकि अलाउड नहीं है कि किसी भी महिला को थाने में रात में रोका जाए, बस मैं महिला के साथ हूँ। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आया पूरा त्यागी समाज, इस वक्त यहाँ पर नारेबाजी कर रहा था, लेकिन मांग चल रही थी कि अनु त्यागी उनके बीच में आए, यानी कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी उनके बीच में आए, तभी ज्ञापन जो है प्रशासन को सौंपा जाएगा। इनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर DM यहाँ के आए थे, सिटी DM जो आए थे यहाँ पर, फिर भी जो त्यागी समाज है उन्होंने अपना ज्ञापन उनको नहीं सौंपा है। जब तक अनु त्यागी उनके बीच में नहीं आएंगी यही नारे चलते रहे, यही मांग होती रही, लेकिन हालांकि अब जो है अनु त्यागी इनके बीच चुकी है, इसके बाद क्या प्रतिक्रिया होगी, इनको ज्ञापन किस तरीके से सौंपा जाएगा, नाराज होकर जो है DM यहां से जा चुके हैं, किस तरीके से प्रशासन तक इनकी बात पहुंचाई जाएगी ये जानने लायक बात होगी। यहाँ पर श्रीकांत त्यागी के समर्थन में पूरा त्यागी समाज आया था, किस तरीके से इन्होंने अपनी बात कही और प्रशासन तक ज्ञापन देने तक इनका पूरा सफ़र आज आप सभी को द न्यूज़ 15 पर देखने के लिए मिला होगा। इसके बाद अनु त्यागी जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है वो यहाँ पर आई और त्यागी समाज को संबोधित करते हुए उन्हें यहाँ पर आश्वासन दिया गया और प्रशासन से उन्हें 15 दिन का समय मिला है। इसके बाद क्या कार्रवाई होगी ये देखने लायक होगा, बने रहिएगा द न्यूज़ 15 पर। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, दिल्ली।